बहराइच के कोतवाली क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता के पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वही वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि मृतक के परिजनों ने दुष्कर्म के आरोपी के भाई और पिता के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। दोनों मौके से फरार हैं। वही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने बताया है कि दुष्कर्म पीड़िता के पिता शाम 5 बजे गांव में आटा चक्की कारखाने पर बैठे हुए थे, तभी हमलावर वहां पहुंचे। उन्होंने वृद्ध की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी, जिसके बाद वो सब फरार हो गए। वही सूचना पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों ने बताया है कि मृतक की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था। उस मामले में गाँव का एक युवक जेल में भी है। आरोपी का परिवार लगातार सुलह करने का दबाव बना रहा था, हालांकि बुजुर्ग इसके लिए तैयार नहीं था। इसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। वहीं कोतवाल सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।